नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के दिशा निर्देश पर हर वार्ड में सैनिटाइजेशन करवाया जा रहा है। बाढ़ के बाद लगातार गंदगी और बीमारी की मार से परेशान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा एवं सांसद कार्तिकेय शर्मा की देखरेख में सभी 20 वार्डों में पार्षद और समर्थक गली गली जाकर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। इस दौरान समर्थकों ने कहा कि विनोद शर्मा परिवार ने हमेशा अंबाला को अपना परिवार समझा है और इस आपदा में पहले खाना वितरित किया और अब वार्ड स्तर पर मशीनें देकर सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और मेडिकल कैंप लगाकर राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अंबाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। सरकार द्वारा छिड़काव कराया जा रहा, क्या कर रहे हैं? ये जो हमारे शहर के अंदर जो बाढ़ आई है और बाढ़ के कारण जगह जगह पे पानी खड़ा होने के कारण मेयर शक्ति रानी शर्मा द्वारा और पंडित विनोद शर्मा द्वारा हर एक वार्ड के अंदर एक एक स्प्रे करने वाला पंप उपलब्ध कराया गया और उसके अंदर दवाई डाल के सारे वार्डों के अंदर स्प्रे कराई जा रही है। ये उनका सराहनीय काम है और हर रोज अंबाला शहर के अंदर 2 मेडिकल कैंप भी लगाए जा रहे हैं जिसके अंदर लोगों को किसी भी तरह की कोई बीमारी है की कोई दिक्कत आ रही है, जैसे पानी भी शहर के अंदर गंदा आ रहा है तो उनको वो भी फैसिलिटी दी जा रही है। ये सारा काम पंडित विनोद शर्मा द्वारा किया जा रहा है क्योंकि आगे भी कोरोना जब चला था तब भी इन्होंने मेडिकल कैंप लगाया और लोगों को सुविधा देते आ रहे हैं। और एक और चीज कहना चाहूंगा क्योंकि जो ये कैंप जो है हमारे सेक्टर 10 के अंदर इतना पानी खड़ा है और जगह जगह खड़ा है तो ये निगम की नाकामयाबी समझो, क्योंकि हमने पहले भी कई बार इनको लिख के दे चुके हैं कि जो रेन वाटर वाले जो पाइपलाइन है वो सारी की सारी बंद पड़ी है और हमने इनको जनवरी में भी लिख के दिया और 5वें महीने में भी लिख के दिया। ये कहते हैं कि हमारे पास इसको सफाई कराने के लिए औजार ही नहीं है क्योंकि हुड्डा से निगम के अंदर आया, अब निगम से हुड्डा के अंदर जा रहा, हमारे को तो समझ ही नहीं आ रहा ये भी हो क्या रहा है हमारे साथ। लोगों को बहुत इसकी वो झेलनी पड़ रही है दिक्कत और अब हुड्डा के सारे सीवरेज ओवरफ्लो चल रहे हैं और उनका पानी बाहर आ रहा है जिससे शहर के अंदर बीमारी फैलने का डर रहता है। हमने हुड्डा के एक्सीएम को कई बार फोन किया है, जब से बरसात चली और पानी शहर में खड़ा है उन्होंने आज तक हमारा फोन भी नहीं उठाया तो सुविधा तो क्या देंगे। तो इसके लिए मैं सरकार को यही कहूंगा कि जो ये अफसर काम नहीं करते उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। छिड़काव करा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे आज वार्ड नंबर 6 में विनोद शर्मा जी और मैडम मेयर शक्ति रानी शर्मा जी के प्रयासों से यहाँ पे सैनिटाइज करवाया जा रहा है और स्प्रे करवाए जा रहे हैं कि जिससे आगे कोई बीमारी ना फैल सके, क्योंकि जो बरसातों में बरसाती पानी या नालों का पानी जो इकट्ठा हुआ है इसमें मच्छर ना फैल सके या कोई बीमारी ना फैले, इसलिए विनोद शर्मा जी के प्रयासों से यहाँ पे स्प्रे का कार्य किया जा रहा है। अम्बाला शहर में जो ये बाढ़ आई है इस बाढ़ के कारण कोई महामारी न फैले इसके लिए मेयर शक्ति रानी शर्मा जी के द्वारा पूरे शहर में स्प्रे कराया जा रहा है। तो इसके लिए हम मेयर शक्ति रानी शर्मा जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और हमारी ड्यूटी वार्ड नंबर 15 में लगी, हम यहाँ पर पूरा स्प्रे करा रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।